मेरे मदर उमान में हैं अभी। 29 नवंबर 2018 में उनको यहाँ से कुछ एजेंट में हम लोग को भड़का के करके, हमारे पापा को भड़का के करके उनको यहाँ से ले लेके गए। एजेंट बोला वहाँ से, यहाँ पे आप वहाँ पे चले जाओ अच्छा रहता आपको। 20 दुबई बोल के बोले उन्होंने, दुबई बोल के बोले। फिर उमान को भेज दिया बाई रूट उनको, दुबई में कुछ ऑफिस में रखे, एजेंसी में कुछ रखे वहाँ पे। फिर बाई रूट क्या करे, उमान को भेज दिया उन्होंने। उमान को भेजने के बाद 1 मंथ तक कुछ कॉल वगैरह नहीं आया मम्मी का, बहुत हम लोग परेशान हो गए थे। फिर उसके बाद उमान को भेजने के बाद मम्मी का, हम जो ऑफिस में थे उन्होंने, ऑफिस में थे मैं उमान में हूँ वही बोल के बोले अम्मी। तो ठीक है बोल के हम लोग, हम फिर ये जो एजेंट है उनसे, एजेंट से बात करें उमान में ऐसा कहीं को भेजे हुए बोले तो नहीं, हम लोग नहीं समझने आया तो वहाँ भेजे अच्छे हैं उन्होंने वही बोले। फिर मम्मी को क्या करें, एक बहुत टॉर्चर कर रहे थे ऑफिस में, वायर से मारे करे मम्मी को वहाँ पे ऑफिस में। फिर क्या करें, एक 4-5 दिन के बाद ऑफिस से खफील के पास भेजे। खफील के पास भेजने के बाद वो खफील क्या करे, उनको उनके मदर के पास भी काम करा रहे थे, इनके पास भी काम करा रहे थे। उन्होंने खफील जो ख़रीद लिया 4-5 घरों में काम करा रहे थे इनको, तो उनकी फुल तबीयत ख़राब हो गई थी अभी, इन्हों करते जा रहे थे काम। और फिर हॉस्पिटल लेके जाओ बोले तो हॉस्पिटल भी नहीं लेके गए उनको। मैं सुषमा सिराज मैडम से गुजारिश करती हूँ, गवर्नमेंट हुकूमत से गुजारिश करती हूँ कि मेरे मदर को यहाँ पे जल्द से जल्द बुला लीजिए, क्योंकि हमारे फादर भी 4 हार्ट पेशेंट हैं, उन्होंने भी नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं वो चीज़ को। मम्मी वहाँ पर है बोल के उन्होंने भी टेंशन में आ जा रहे। अभी रिसेंटली 1 मंथ बैक उन्होंने हॉस्पिटल में थे, पापा बहुत टेंशन ले ले रहे हमारे।